नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में स्कूल खुलने को लेकर आपके सभी उत्सुकता भरे प्रश्नों को लेकर दोस्तों कोरोना का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है परंतु अभी भी कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर कोरोना की स्थिति पहले से ज्यादा भयाक स्थिति में दिखाई दे रही है माता पिता छात्र और शिक्षक उत्सुकता के साथ सामान्य कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि स्कूल जो है वो कब से खोले जाएंगे अगर बात करते हैं यूपी सरकार

कि इस अवधि के दौरान स्कूल जो है ना तो शिक्षक जाएंगे ना ही कोई अन्य कर्मचारी घर से ही सबको काम करना होगा इस आदेश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक जो लखनऊ के मुकेश कुमार है उन्होंने प्रॉपर लिखित में आदेश भी जारी कर दिया गया और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि इसका उल्लंघन जो करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी दिल्ली की बात करें पंजाब की बात करें महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश की कई ऐसे राज्यों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं यही नहीं कुछ राज्यों ने बाहरी लोगों पर आने पर भी अंकुश लगा दिया है अपने घर की जो परीक्षाएं हैं ये कह सकते हैं कि जहां पर बोर्ड नहीं होते एट नाइन्थ और इलेवेंथ को जो है उन्हें स्थगित कर दिया गया और जितनी भी बोर्ड एग्जाम्स हैं दसवीं बारहवीं उन्हें तो यही कह दिया गया है कि अंतरिम आदेश तक इनकी जो डेट है वो डिसाइड ही नहीं होगी जैसे जैसे स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद होते रहे उसकी सूची आती रही अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित की जाने वाली दसवीं और बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षा है उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है सीएम ने मध्य प्रदेश के सीएम ने स्कूलों को आठवीं कक्षा तक के लिए अंतरिम आदेश तक बंद कर दिया गया है और ग्यारहवीं बारहवीं की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लगातार जारी रखने के लिए निर्देश दिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्कूल कॉलेज के साथ साथ सभी कोचिंग सेंटर्स के भी शटरों को बंद करने की गहन तौर पर आदेश दे दिए गए यही स्थिति बिहार में दिख रही है और दिल्ली की स्थिति इतनी भयानक है दोस्तों की दिल्ली में इस साल स्कूल खुलना ये बिल्कुल ना के बराबर गुंजाइश है अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली को भी पछाड़ते हुए महाराष्ट्र आगे बढ़ता जा रहा है ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी ये कहा जा सकता है कि इस साल में इस राज्य के अंदर स्कूल खुलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है अगर स्कूल खुलते भी हैं तो टेंथ और ट्वेल्थ के जो है बोर्ड क्लासेस के लिए स्कूल को खोला जाएगा वो भी पीली पहले की तरह जो रोस्टर सिस्टम लगाया गया था उसी के आधार पर खोला जाएगा इस चीज़ को लेकर काफ़ी मुझे एक अजीब सा तथ्य सामने आता है कि पेरेंट जो है इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर उत्सुक हैं कि वापस स्कूल खोल दिए जाए अभी स्थिति कोरोना की इतनी सही नहीं है आप लोग बताइए कि आपके इलाकों में कोरोना की स्थिति क्या है क्या आप लोग ये प्रतिक्रिया रखते हैं कि स्कूल वाकई में खोल देने चाहिए कि ये टाइम आ गया है इसमें विचार करना जो है वो जरूरी बन गया है कि स्कूल खोल देने चाहिए कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप ऐसे इलाकों को वो करिए टारगेट करिए जहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं अपने इलाकों के वो लोग लो नाम लिखते हैं वहाँ पे कि ये ये स्कूल जो है वहाँ पर रेगुलर बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है तो ठीक है मुझे पता है कि फीस के लिए या किसी भी अदर रीजन के लिए अगर वो स्कूल स्कूल खोल रहा है और प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं बन रही प्रशासन जो है वो नहीं भी देख रहा है बट पेरेंट्स कैसे हैं कि ऐसी स्थिति में जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं सांस तक जो है वो गिन गिन के ले रहे हैं चिंतित रह के ले रहे हैं ऐसी स्थिति में वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज के साधार पे रहे मतलब या तो तुम पढ़ लो या मर जाओ मतलब अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी मुझे बताइए किन तथ्यों के आधार पर क्या सोच कर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को स्कूल जो है भेजने के लिए तैयार हो रहे ये चीज काफी मायने रखती है क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं पता नहीं कौन इतना महान है जो

बाद स्कूल खुलने की प्रक्रिया तो सबसे अंत में शुरू होगी पहले तो देश को ही चीजों को ही धीरे धीरे करके अनलॉक किया जाएगा तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है ऐसी स्थिति में आप लोग अपने बच्चों को घर पे रहिए सुरक्षित रखिए ऑनलाइन क्लास एक अच्छा ऑप्शन है ये दीजिए और भी बहुत सारे वैकल्पिक ऐसे कोर्सेज हैं ऑनलाइन कोर्सेज हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिनमें आप ऑनलाइन बच्चों को रजिस्टर करा सकते हैं बहुत अच्छे ऑप्शन है जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे चाहिए इट इज जस्ट एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने डू सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल जब ही आपको मेरी सारी जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी थैंक यू सो मच गाय थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माइ चैनल